नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आप कोई भी वॉलेट यूज करते हैं और उस वॉलेट में पैसा को ऐड करके रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग फोन पे का वॉलेट यूज करते हैं या फिर पेटीएम का वॉलेट यूज करते हैं, अमेजोन पे का वॉलेट या फिर फ्री चार्ज का वॉलेट, ओला मनी का वॉलेट, एयरटेल मनी का वॉलेट या फिर पेजैप का वॉलेट यूज करते हैं और इसके वॉलेट में आप लोग पैसा को ऐड करके रखा हुआ है और आप इस वॉलेट बैलेंस को चाहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जी हाँ, आपको कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस है आप चाहते हैं उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग आसानी से फ्री में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो किस तरीका से हम लोग वॉलेट बैलेंस को साथ ही क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर खोल करके सर्च कर लेंगे Pogo 91, तो आपको ये आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल कर लिया है, ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर इस तरीका से आ जाएगा, आपको जो भी लैंग्वेज में यूज करना है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। चलिए, इसको यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपके मोबाइल पर OTP आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं OTP आने का। यहाँ OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आ गया है चूज योर बिजनेस, तो आप कोई भी यहाँ से बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया है नाम फिलअप करने के लिए, तो आप अपना नाम फिलअप कर लीजिए, फुल नेम। यहाँ पर है बिजनेस नेम, बिजनेस नेम फिलअप कर लेते हैं, कुछ भी फिलअप कर लीजिए। चलिए हम स्टोर रख देते हैं नाम इसका। इसके बाद यहाँ पर है रेफरल कोड, तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दिया हुआ है, आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको ये छोड़ भी सकते हैं इसको। चलिए, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है स्टोर का, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका Pogo 91 में अकाउंट बन चुका है। इसमें अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा जिसमें कि आप पेमेंट लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल पेमेंट है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 0 charges है, 50,000 rupees तक आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री में, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और यह जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में 2 working days में आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और संडे और बैंक हॉलीडे को छोड़ करके। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनेबल पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर इनेबल पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर फिलअप कर लीजिए डिटेल, जो भी डिटेल है यहाँ पर, अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 types का बैंक अकाउंट है, पहला तो सेविंग, दूसरा यहाँ करंट। यहाँ पे प्रायः सेविंग ही रहता है सबका, आपका जो भी अकाउंट होगा आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हम सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बैंक नेम है, इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड है, IFSC कोड फिलअप करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड फिलअप करने के बाद अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए, नीचे भी अकाउंट नंबर, और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर पैन कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा आप फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कैंसिल चेक फ़ोटो, तो आपके पास यदि चेकबुक है तो आप यहाँ पर कैंसिल चेक का फ़ोटो अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप पेटीएम का स्टेटमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में ये IDBI बैंक का चेकबुक है, तो जो भी बैंक का आपका चेकबुक होगा सभी बैंक का एक ही तरह का चेकबुक रहता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं रहता है। कैंसिल चेक बनाने के लिए आप यहाँ पर बीच में कैंसिल लिखेंगे, तो किस तरीका से लिखेंगे आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए आपको इस तरीका से चेक में लिख लेना है कैंसिल, यहाँ पर देख सकते हैं हमने बीच में कैंसिल लिखा है, और यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है आपको, ना तो यहाँ पर डेट लिखना है और ना ही आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है, और ना ही आपको यहाँ पर साइन वगैरह करना है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ कैंसिल लिख देना है। और चलिए अब ये कैंसिल चेक मेरा रेडी है, अब इसको हम अपलोड करेंगे। चलिए अपलोड हम कर लेते हैं यहाँ पर फ़ोटो कैंसिल चेक बुक का। आप यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से चेक का, कैंसिल चेक का फ़ोटो
क्लिक कर सकते हैं या फिर चेकबुक या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हमने चेकबुक का फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 घंटा में आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ से डन पे क्लिक कर लेते हैं। तो 24 घंटा तक आपको वेट कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ से कोई भी पेमेंट कर पाएंगे। चलिए हम डन पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको आ रहा है योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। चलिए बैक हो जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 24 घंटा से पहले ही पोगो 91 का अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे ही एक्टिव होगा आपके मोबाइल पर मैसेज मिल जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिजिटल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है इनेबल इट फॉर ऑनलाइन स्टोर, अभी यह ऑफ किया हुआ है, इसे आपको ऑन कर लेना है। जब आप इसे ऑन कर लेंगे तब आप किसी भी वॉलेट से पेमेंट कर पाएंगे, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर किसी भी वॉलेट बैलेंस को, वॉलेट में जो भी बैलेंस है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, आप जो भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपको शो करेगा। हमने यहाँ पर पहले से इसमें ऐड करके रखा है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर नीचे में लिखा गया है ऐड प्रोडक्ट मैनुअली, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज है, तो जो भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं आप उसका इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है इट इज फूड आइटम, यदि फूड आइटम है तो इसको ऑन कर लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, इसको ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, आप प्रोडक्ट नेम लिख लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम फिलअप कर दिया। इसके बाद यहाँ पर है वेरियंट साइज नेम, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है जेनरेट बार कोड, आप बार कोड जेनरेट करना चाहते हैं तो जेनरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है SKU कोड, यहाँ पे आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है कोस्ट, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस रखना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी कि जो भी आप वॉलेट से पैसा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, या फिर क्रेडिट कार्ड से जितना भी अमाउंट को, जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, आप यहाँ पर उतना फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में 55 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पर 55 फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, तो आप इसी के बराबर में यहाँ पर सेलिंग प्राइस रखेंगे। चलिए हम जैसे कि यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, मान लीजिए हम 55 फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है MRP, आप इसे भी फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने फिलअप कर दिया है तीनों चीज। इसके बाद यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, होम पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम होम पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका एक स्टोर यहाँ पे बन जाता है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके। चलिए हम शेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको शेयर करने के लिए लिंक आ गया है, तो आप इसे शेयर कर लेंगे या फिर डायरेक्ट आप इसे कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसको हम शेयर कर लेते हैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके, और यहाँ से व्हाट्सएप पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर इस लिंक को कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, आप यहाँ पर प्राइस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चेकआउट पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम चेकआउट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर किसी दूसरा नंबर से लॉगिन कर लेंगे। जो नंबर से आपने पोगो 91 का अकाउंट बनाया है वह नंबर आप यहाँ पर फिलअप नहीं करेंगे, दूसरा कोई नंबर आप यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया है, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए OTP आपके मोबाइल पर आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने OTP फिलअप कर दिया है, साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे नाम फिलअप कर लेंगे, चूंकि आप पहली बार इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर नाम पूछा जाता है। चलिए हम नाम फिलअप कर लेते हैं, सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए साइन इन हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर प्राइस पर फिर से क्लिक करेंगे। चलिए हम प्राइस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहां से चेकआउट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम चेकआउट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला तो स्टोर पिकअप, दूसरा यहां पे होम डिलीवरी।
आपको यहाँ पर स्टोर पिकअप पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलता है, पहला तो कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है चूज ए पेमेंट ऑप्शन, तो आप यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन चूज करने के लिए आ गया है। पहला है कार्ड, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग और UPI। आप यहाँ पर चार तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसके अलावा हम अपने वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आप यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कार्ड पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और यहाँ पर देखिए नेम ऑन कार्ड फिलअप कर लेना और प्रोसीड पर क्लिक करके आप आसानी से आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, तो आप यहाँ पर किसी भी वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। हम यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट से पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोनपे, इसके अलावा पेटीएम, यहाँ पर अमेजोन पे, फ्रीचार्ज, ओला मनी और यहाँ पर एयरटेल मनी। तो आप यहाँ पर जो भी वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप उससे यहाँ पर पेमेंट करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेजैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर सर्च फॉर योर वॉलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया है HDFC बैंक पेजैप, आप यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हम यहाँ पर बताने के लिए फ़ोनपे वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको बताते हैं। हम यहाँ पर फ़ोनपे को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो भी नंबर से आपका फ़ोनपे अकाउंट लॉगिन है, आप यहाँ पर फ़ोनपे का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP आएगा आपके मोबाइल पर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। OTP आ चुका है, चलिए फिलअप कर लेते हैं और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ है ₹55। इसके बाद हम यहाँ से पे पर क्लिक करेंगे। चलिए पे पर क्लिक कर लेते हैं। यह देखिए सक्सेस हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे आपका काम नहीं हुआ है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से पोगो ऐप को ओपन कर लेना है। हमने ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए टुडे ऑनलाइन ऑर्डर, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया होगा पेंडिंग, अभी आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट एक्सेप्ट हो चुका है और यहाँ पर ये ₹55 का यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपने जो भी पेमेंट किया है वॉलेट के माध्यम से, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, आप इसे चेक करने के लिए आप यहां पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से डिजिटल पेमेंट पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहां से रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आपने जो भी पेमेंट किया यहां पे शो कर रहा है। हमने ₹55 का पेमेंट किया था, यहाँ पर 55 शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए सेटलमेंट अमाउंट अभी 0 शो कर रहा है, चूँकि यह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगा जितना रुपए आपने अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है वॉलेट से, यहाँ पे वह ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में कितना समय में यह ट्रांसफ़र होता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिजिटल पेमेंट चार्जेज एंड डिटेल पर। यहाँ पर देख सकते हैं ₹50,000 तक आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं वॉलेट से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा यह जो है सेटलमेंट 2 वर्किंग डेज में होता है, संडे और बैंक हॉलीडे छोड़ करके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।